गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया स्टेप लिया है, जैसे कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा ये एक कोशिश रही है अभी तक कि किस तरीके से जो हमारी ग्रास रूट लेवल की जो इंस्टीट्यूशन है उनको किस तरीके से मजबूत बनाया जा सके, और उसी की एक कड़ी में इन जो हमारी ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हमारी पंचायतें हैं जो कि ग्रास रूट पर जो है वर्क करती हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक प्रोग्राम कंसेप्चुलाइज किया गया है जिसका नाम है बैक टू विलेजेस। इसमें हमारी जितने भी पंचायतें हैं हर पंचायत में एक एक गजेटेड ऑफिसर वो वहां पर जाएगा और वो वहां पर 2 दिन और 1 रात, वो 1 दिन वहां पे पहुंचेगा, वहां पर लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, पंचायतों में जो हमारी ग्राम सभा है वो भी वहां पे आयोजित किया जाएगी, इसके अलावा अगर और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी वहां पर, और उस रात को भी वो वहां पे रुकेगा, नेक्स्ट दिन भी वो वहां पे रुकेगा। इस पूरी एक्सरसाइज का पर्पस है कि किस तरीके से लोगों की जरूरत को समझा जा सके और ग्राउंड लेवल की पोजीशंस जो है उनको भी बेहतर तरीके से समझा जा सके। इस दौरान जो हमारी 229 पंचायतें हैं, हर पंचायत में, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेज पर डिफरेंट डिफरेंट पंचायतों में जो ऑफिसर्स हैं वो जाएंगे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट रैंक के ऑफिसर्स हैं लेकिन सारे के सारे ये गजेटेड ऑफिसर्स हैं। इसमें हमारे कुछ सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक के, कमिश्नर सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जा रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में जा रहे हैं। हर ऑफिसर को एक डिफरेंट विलेज अलॉकेट, एक डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अलॉकेट किया गया है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें डिफरेंट डिफरेंट विलेज अलॉकेट किए जा रहे हैं। तो अब हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में भी 35 ऑफिसर्स जो हैं वो सेक्रेटरीट से आ रहे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स के हैं। उनको भी मुख्तलिफ जो हमारी गांव है वहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो हमारे यहां पर जो बचे हुए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के गजेटेड ऑफिसर्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट महकमा जात के होंगे उनको भी डिफरेंट डिफरेंट विलेज में भेजा जाएगा। जिस दिन भी उनको, जो दिन अलॉट होगा, जो दिन भी उनको जो है उनकी विजिट होगी, उस दिन वहां पर जो भी हमारे डिफरेंट फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो भी उस दिन वहां पर मौजूद होंगे। कोई भी अगर BLW है वो भी वहां पर मौजूद होगा, जो GRS है वो भी वहां पर मौजूद होगा। इसमें से ये हमारा हमेशा रहता है कि कुछ हमारे एम्प्लॉय ऐसे हैं कि जो कि दो दो पंचायतों पे जो है वो है, 2 से ज्यादा पंचायतों पे भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पटवारी है उसका पटवार हल्का होता है तो उसमें काफी सारी पंचायतें हो सकती हैं, तो इन दैट केस उसको भी एक पंचायत एलोकेट की जाएगी, वो वहां पर अवेलेबल रहेगा, और किसी दूसरे ऑफिसर को किसी दूसरी पंचायत में रखा जाएगा, किसी दूसरे ऑफिसर को किसी तीसरी पंचायत में रखा जाएगा। इस तरीके से जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको भी जुडिशियली थ्रू आउट स्प्रेड करने की कोशिश की जाएगी ताकि जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो हर जगह मुकम्मल तौर पर हमारे जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं वो भी मौजूद हों और गांव की एक सही पिक्चर उभर कर आ सके। इसके लिए एक पूरा शेड्यूल बनाया गया है जिसमें उस शेड्यूल में गांव की जो डिफरेंट डिफरेंट जो मेन जरूरत की चीज़ है कि गांव में बिजली की सिचुएशन कैसी है, पानी की सिचुएशन कैसी है, गाँव में एजुकेशन का जो है माहौल कैसा है, बिजली आती है तो कितने घंटे आती है, गर्मियों में कितने घंटे हैं, सर्दियों में कितने घंटे, इसके लिए एक डिटेल शेड्यूल बनाया गया है ताकि एक हर विलेज की, क्योंकि हो सकता है कि हम एज ए डिस्ट्रिक्ट किसी जगह को अच्छा कवर कर रहे हो लेकिन कुछ पर्टिकुलर इलाका जात, जैसे हमारे भी पुंछ में हो सकता है कुछ पर्टिकुलर इलाका जात जहां पर कुछ पर्टिकुलर फैसिलिटी ना अवेलेबल हो, तो गवर्नमेंट के पास भी एक बेहतर पिक्चर उसकी पहुंचेगी और इसमें जितने भी हमारी जरूरत वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो PDS सिस्टम हो, इसके अलावा जो जब ऑफिसर विलेज में जाएंगे उन्होंने वहां पर ग्राम सभा भी करानी है और जो ग्राम सभा का एक काम भी वहां पर ग्राम सभा ने ही डिसाइड करना है कि हम ये काम जो है ये 50,000 का 1,00,000 का काम 14th April से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्राम सभा वहीं पर डिसाइड करे कि ये कोई वो काम किसी भी नेचर का हो सकता है, हो सकता है वो काम प्लेग्राउंड बनाने का हो सकता है वो काम कहीं पे जो है तालाब बनाने का हो सकता है वो कहीं पे जो है कोई और काम हो, सो वो वहां पर उसको तुरंत स्टार्ट भी करेंगे, उसका एक मुकम्मल तौर पर उसको एक जो है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। उसमें जो है सरपंच हजरात और जो भी हमारे ऑफिसर साहिबान जाएंगे वो ज्वाइंट तौर पर उसको जो है स्टार्ट भी करेंगे। और इसके अलावा जो गांव में हमारी डिफरेंट डिफरेंट अगर अभी भी कोई काम कंप्लीट है जो पिछले कुछ टाइम में, क्योंकि हमेशा डिफरेंट डिफरेंट मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कुछ ना कुछ काम हमेशा चलते रहते हैं, जो काम चल रहे हैं सभी जो है पंच सरपंच और हम जो जो गजेटेड ऑफिसर है वो वहां पर जाकर उनकी रफ्तार भी देखेंगे, उनकी क्वालिटी भी देखेंगे कि वहां पर सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके बाद जो जो काम मुकम्मल हो चुके हैं उनको पब्लिक को डेडिकेट भी करेंगे कि अभी ये पब्लिक के लिए है, ये जो है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरपंच और पंच हजरात की, और जो वहां पे कंसर्न ऑफिसर जा रहा है वो वहां पर उसको पब्लिक को डेडिकेट भी करेंगे। तो
एक ये बहुत ही मैसिव एक्सरसाइज है, इसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे वो उनको गांव में ना केवल रहना है बल्कि उन्होंने उसको इस पूरी फॉर्मेट को फिर हमने एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड भी करना है। ये जेएनके में अपना इस टाइप का ये एक पहला इनिशिएटिव है, इससे पहले कभी एक ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया है कि पूरे 8 दिन के लिए हमारी पूरी की पूरी जो स्टेट है वो एक्चुअल में गांव में होगी, गांव में जो मुख्तलिफ गांव में वहां पर ऑफिसर्स होंगे रादर देन जो है वो सेक्रेटरिएट में या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बैठे, वो गांव में लोगों के बीच होंगे, लोगों की जरूरत को समझने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बेहतर जो है एक आउटपुट निकलेगा जिससे लोगों की जरूरत जो लोगों की मुश्किलात हैं वो भी सॉल्व होंगी और एक सही पिक्चर गांव की कि गांव में क्या परेशानी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट गांव में डिफरेंट डिफरेंट परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि किसी गांव के लोग जो पहली प्रायोरिटी जो है वो नेटवर्क को दें, हो सकता है किसी गांव दूसरे गांव के लोगों की जो सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो पानी हो सकता है किसी तीसरे गांव की सबसे बड़ी मुश्किल है वो सड़क हो। सो वो भी एक खाका एक पिक्चर जो है बेहतर तरीके से सामने आएगा। थैंक यू सर। हेलमेट लगाना है, हेलमेट आपकी सेफ्टी है, ठीक है ना, हेलमेट के बगैर ऐसे नहीं चलना है। चलो सर, ठीक हो सर।